हम गांव में देखते हैं बहुत प्रसिद्ध लोग, बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर बनाया है, खंडहर हो गया, सब बाल बच्चा चला गया। ये आपको हमको लगता है, हम तो ठीक है, हमारा लड़का तो बंगलोर पढ़ के वहीं इंफोसिस में नौकरी कर रहा है। पलायन का दंश सबको डसेगा। इतने फर्क है कि गरीब का लड़का मजदूरी करने जा रहा है, आपका लड़का बाहर पढ़ने और नौकरी करने जा रहा है, जात तो दोनों का लड़का है। कोई ऐसा परिवार हमको नहीं मिलता है जहां माँ बाबू जी, बाल बच्चा, बेटा, तीनों पीढ़ी एक साथ रह रहा है। बंगलोर में और अमेरिका में, दिल्ली के किसी फ्लैट में, बहुत बड़े आदमी है तो फार्म हाउस में आपका बच्चा रह सकता है, लेकिन आपका जो अभिमान है, आपकी जो जमीन है, आपका जो जड़ है, वो नहीं बचेगा। जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, आपका केबिन नहीं बच सकता है। तो मैं आपको यही अनुरोध करूंगा, आपके हक में, आप पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिजनेस फैला रहे हैं, कीजिए, लेकिन आपका अगर जड़ बचाना है तो थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि हर आदमी राजनीति में आ जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर थोड़ा सजग होइए। आंख बंद करके किसी का झंडा मत ढोइए, आंख बंद करके ड्राइंग रूम में बैठ के ये मत कहना शुरू कीजिए कि बिहार का तो कुछ नहीं हो सकता है।